दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आप देख सकते हैं कि आज मैं आपको बता रही हूँ कि घर पर ही कैसे बनाएं अपनी आईब्रोज़ को। पहले मैंने यहाँ पे एक जेल लाइनर लिया है, जिससे मैंने अपने आईब्रोज़ को अच्छे से शेप दी है। जिस शेप में मुझे चाहिए वो शेप मैंने दे दी है दोनों आईब्रोज़ पे। आप चाहें तो काजल से भी शेप दे सकते हैं, किसी भी चीज़ से दे सकते हैं। फिर मैंने यहाँ पे लिया है वीट का वैक्स, बॉडी वैक्स। आप देख सकते हैं ये स्ट्रिप्स भी हैं मैंने एक। उसके बाद हमने यहाँ से ऊपर से काट लेना है। पहले मैं इस एरिया को रब कर ले रही हूँ, मैं इतना ही काटूँगी ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए और हमारे हेयर्स में अच्छे से चिपके। उसके बाद मैं काटूंगी यहाँ पे पतली पतली सी स्ट्रिप्स। यहाँ पे हम पतली ही स्ट्रिप्स यूज़ करेंगे ताकि हमारे जो हेयर्स हैं छोटे छोटे कहीं रह ना जाए। ज़्यादा चौड़ी हमें स्ट्रिप्स नहीं काटनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने दो काट ली हैं पतली पतली सी। फिर मैंने यहाँ पे बीच से काट ली है, ऐसे छोटी काट ली है ताकि आसानी से मैं इसे कर सकूँ, आसानी से मैं इसे शेप दे सकूँ। अगर बड़ी होती तो शेप देने में प्रॉब्लम होती है। आप देख रहे हैं कि मैंने कितना छोटा छोटा सा काटा है इसे। उसके बाद मैंने इसे अच्छे से चिपकाया है। उसके बाद मैंने, आप देख सकते हैं यहाँ पे हेयर्स निकल आए हैं। ये पतली पतली स्ट्रिप्स छोटी सी हैं तो आसानी से ये निकल रहे हैं, आसानी से रखने पे। ये देखिए, यहाँ आसानी से आप लगा सकते हैं। अगर बड़ी होती तो लगाने में प्रॉब्लम होती। जिस शेप में आपने जो शेप दिया है आईब्रो को, उसी तरफ से वैसे ही आपको ये स्ट्रिप लगानी है। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से ऊपर की तरफ उठा के लगा रही हूँ। यहाँ पे मेरे हेयर जो है वो रिमूव हो गए हैं अच्छे से। और यहाँ पे जो एक एक बाल रह जाते हैं, उसमें आपने क्या करना है, अपनी जो मिडल फिंगर है, जैसे कि मैं कर रही हूँ, मिडल फिंगर से दबाना है और उखाड़ लेना है। जहाँ पे एक एक बाल कभी छूट जाते हैं, मिडल फिंगर से वो वैक्स से, जहाँ पे हेयर हैं वहाँ पे आपको स्ट्रिप रखनी है और एक सिर्फ आपको मिडल फिंगर यूज़ करना है। उसके बाद तेज़ से दबा के उखाड़ देना है, वो जो एक सिंगल हेयर है वो निकल जाएगा। मैंने अपनी आईब्रोज़ को अच्छे से शेप दे दिया है और जो एक्स्ट्रा हेयर्स थे वो निकल चुके हैं। अब यहाँ जो आईब्रोज़ को, आप आईब्रोज़ के जो बीच में हेयर्स हैं, अब मैं उसे निकाल रही हूँ।
अगर आपको फॉरहेड पे भी करना है तो आप इसी तरीके फॉरहेड पे भी कर सकते हो। आप देख सकते हैं मेरी आईब्रोज के जो हेयर्स थे अच्छे से क्लीन हो चुके हैं, एक्स्ट्रा हेयर्स। यहाँ पे थोड़ा सा रह गया था तो मैं उसे ही रिमूव कर रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिया है वीट के साथ जो मिलता है, ये इसमें ऑयल होता है, इसमें जो हमारे आईब्रो पे वैक्स लगी हुई है वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी, चिपचिपापन ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे मैंने सारे हेयर्स को अच्छे से क्लीन कर लिया है। उसके बाद मैं यहाँ पे जो आगे की तरफ थोड़े से बाल ऊपर की तरफ निकले होते हैं उसे मैं कट कर रही हूँ सीजर से। अच्छे से कट कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरी आईब्रो एकदम क्लियर है। अब मैं जा रही हूँ अपर लिप्स करने के लिए। यहाँ पे मैंने अपर लिप्स के लिए भी स्ट्रिप्स काट ली हैं। सबसे पहले लिया है मैंने बेबी पाउडर, क्योंकि मेरे अपर लिप्स पे थोड़े अपर लिप्स एरिया थोड़ा सा ऑयली है, इसलिए मैं पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना अपर लिप्स भी कर लिया है। अगर आप चाहें तो आप भी घर में बैठे ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब